नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब कि ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव जो है क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों, मैं एक नट सेल में ऐसे ही बताना चाहूँगा, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव जो है किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज करता है, और इसकी रोल, इसका जो इम्पोर्टेंस है आज के दिन में क्यों बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों हम हो, आप हो या कोई दूसरा हो, हर एक आदमी आज के दिन में ऑनलाइन सामान परचेज करता है, मतलब कि वो अमेजन से सामान परचेज करता है, फ्लिपकार्ट से सामान परचेज करता है, स्नैपडील से सामान परचेज करता है, जियो से सामान परचेज करता है। तो एज ए बिजनेसमैन अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन आना ही होगा। इसके लिए दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव को रखती है, जो कि उनका ऑनलाइन बिजनेस जो है उसको संभाले, उसको बढ़ाए, उसको मैनेज करे। तब सबसे पहला काम जो है ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है किसी कंपनी को, उसको लिस्टिंग करेगा, मतलब कि उसको अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसको उस पर बेचेगा। तो होता कि आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग जो सामान जो परचेज करते हैं ये सामान डायरेक्ट अमेजन से आता है। तो ये डायरेक्ट अमेजन से आता तो है, लेकिन कुछ पार्ट जो है अमेजन सेल करती है, कुछ थर्ड पार्टी को दे देती है कि वो थर्ड पार्टी उस पर सेल कर सकते हैं। कि अमेजन पे तो लाखों करोड़ों सामान है, और हर एक सामान तो अमेजन बेच नहीं सकती है, तो कुछ चीज़ वो जनरल दुकानदार को उसने दे दिया है, अलाउ कर दिया है कि वो सामान जो है उनके पोर्टल से, उनके माध्यम से कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो इसी में ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का रोल आता है। छोटे छोटे दुकानदार हो गया, मीडियम लेवल का जो दुकानदार होता है वो भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे कि आपने डिस्पोजेबल प्लेट हो गया, उसको आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तब उसका जो है सामान जो है ऐसा नहीं कि वो अमेजन से ही आ रहा है, अमेजन का लेबल लगा हुआ होगा, लेकिन सेलर जो होगा वो इंडियन शॉपकीपर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ जो सामान जो है अमेजन या फ्लिपकार्ट पे है, जो एमएनसी कंपनी है उस पर वो लोकल वेंडर को उनको बेचना उनका मैंडेटरी उन्होंने कर दिया है। तो ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट को लिस्टिंग करेगा, मतलब कि लिस्टिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट जब भी आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे सर्च करें तो आपका प्रोडक्ट ऊपर पे सर्चेबल आए, सर्च हो जाए। तो प्रोडक्ट को लिस्टिंग करेगा, उस पर प्राइसिंग डालेगा, उस पर वो अपना कंपनी का जो लोगो है, उसका पैकेज है जो जिसे दिखे उसको डालेगा, वो उसका कंपनी का टाइटल बताएगा, उसका डिस्क्रिप्शन देगा, कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट है उसमें। फिर दोस्तों आता है कि उसका जब डालने के बाद जब भी ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर आने के बाद प्रोडक्ट को डिस्पैच किया जाता है, मतलब कि एक तय सीमा के अंदर में वो प्रोडक्ट जो है डिस्पैच होना चाहिए आपके यहाँ से। प्रोडक्ट जैसे ही ऑर्डर आया उससे छः घंटे के अंदर में प्रोडक्ट जो है डिस्पैच होना चाहिए, जो भी आपका उसका सर्टिफाइड जो वेंडर होगा, आप डायरेक्ट पोस्ट, इंडिया पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, या उनका जो लोकल जो वेंडर है ई कॉमर्स का और उनका लॉजिस्टिक पार्टनर जो है उनके थ्रू आप सामान आप भेज सकते हैं। तो लॉजिस्टिक पार्टनर जो है उनका जो सस्ते में सामान जो पहुंचा करके वहां सेल आप कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो उसके आने तक, उसके आने के पहले सामान जो है आपका रेडी होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए, उस पर स्टिकर चिपका होना चाहिए, लेबल होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ सही से होना चाहिए। ये दोस्तों काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सामान है, ये रिस्पॉन्सिबल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं कि सामान जो है जाना है एक राम को, राम का सामान श्याम को चला गया तो इसमें जो है सामान जो है रिटर्न हो जाएगा, जाना है आम पहुंच गया इमली तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है रिटर्न कर देगा उसमें। तो इसको दोस्तों ये सब जो चीज़ जो है डिस्पैच का सारा चीज़ जो है ये ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव जो है अच्छी तरीके से मैनेज करेगा कि प्रोडक्ट जो है रिटर्न नहीं हो। कारण क्या है, अगर प्रोडक्ट जो है रिटर्न हो जाता है तो अब ज़्यादातर अमेजोन जो है आपको बैन कर देगा, फ्लिपकार्ट आपको बैन कर देगा। रिटर्निंग का कारण हो सकता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, गलत प्रोडक्ट उसको पहुंचा है, कलर हो सकता है, आपने साड़ी जो है
डिमांड आ गया रेड कलर का, आपने शाहरुख आपने सेल कर दिया, ये येलो कलर का सेल कर दिया, तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है आपको रिटर्न कर देगा सामान। तो प्रोडक्ट जो है एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर रिटर्न हो गया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिटर्निंग रेट है, तब एक तो है कि सारा रिटर्निंग का खर्चा जो है वहाँ लॉजिस्टिक का जो खर्चा है 100 रुपये पर ऑर्डर ये आपके अकाउंट से काटेगी, और दूसरी बात है कि अमेजन जो है आपको बैन कर देगी कि अमेजन चाहती नहीं है कि उनका नाम खराब हो, उनका नाम खराब हो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो रिटर्न कर रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर कारण है। तो ये सब चीज़ जो है ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव को देखे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ये पोजीशन है, ये सारा काम वो देखेगा। प्राइसिंग होगा, ऐसा ना कि हमेशा आप जो प्राइस जो है जो लो प्राइस होगा उसको कस्टमर जो आप अमेजोन पे आप लोग सर्च करते हैं तो प्राइसिंग डालेगा, तो अपना जो प्रोडक्ट जो है उसका प्राइसिंग कंपेरेटिव रखेगा। 100 रुपये का जो सामान आपका कंपटीटर बेच रहा है तो ऐसा नहीं कि आप 300 रुपये का सामान लगा रखे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो सर्चेबल में नहीं आएगा, नीचे आएगा, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो कंपेरेटिवली आपका सामान जो है आप प्राइसिंग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि प्राइसिंग का जो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 80 रुपये का है आपने 70 रुपये बेच दिया तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है सारा कुछ जो है ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा, ये सब काम किया जाएगा। ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का ये भी काम होगा कि अगर आपको सामान समझ में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग करें कैसे सेल करें, तो वो कस्टमर केयर पे भी कॉल करके सारा जो क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। तो एक अच्छा ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव जो होता है कम से कम तो 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना मस्ट है, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट को कोई भी कंपनी जो है उसके थ्रू उसके एक्विपमेंट उसके समझदारी से किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही है। कारण क्या है, आज के दिन में हर एक बिजनेस जो है छोटा बिजनेस वाला जो है या बड़ा जो है ऑनलाइन के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि आपका जो रीच जो है वेरी वाइड आ गया हो गया। मतलब कि आप इंडिया के एक छोटे से शहर हाजीपुर में रह करके आप दिल्ली मुंबई आगरा कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, आपका कस्टमर बेच लाखों करोड़ों में बढ़ गया। तो अच्छी तरीके से आप अपना अगर ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव अपना अपना बिजनेस अगर मैनेज कर रहा है तो काफ़ी करोड़ों में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक बिजनेसमैन काफ़ी प्रॉफिट कर रहा है थ्रू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है उसके थ्रू। तो ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव को दोस्तों कंप्यूटर आना मस्ट है, एक्सेल आना मस्ट है जो कि सारी एंट्री करेगा जो कि गलती नहीं हो, प्रिंट आउट लेना हो आपका, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आना जरूरी है क्योंकि ये सारा फोटो डालेंगे इमेज डालेंगे सब डालेंगे जो कि अट्रैक्टिव लगे और कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करें क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आप मिलते हैं नए जानकारी के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।